hello guys welcome to another video of chromosomal variation and today we will discuss about polyploidy so what is polyploidy if an organism having more than two sets of homologous chromosome is known as polyploid and the phenomenon is called polyploidy it was discovered by that's <coughs> so here you can see in this diagram let's say हाप्लॉइड नंबर एंड हीयर इट इज डिप्लॉयड इन दिस केस यहाँ पर क्या हो रहा है जो क्रोमोजोम है उसका टोटल सेट का एक कॉपी यहाँ पे एक्स्ट्रा है सो so, इसको हम बोल रहे हैं ट्रिप्लॉयड और पॉलिप्लॉयड तो so, यहाँ पे ये यह एक पॉलिप्लॉयडी कंडीशन है सो so, क्या होता है uh, कभी कभी जो ड्यूरिंग सेल डिविजन जो दो टाइप का डिवीजन होता है उसमें एक कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस so, सो कैरियो कैनाइसिस में क्या हो रहा है जो क्रोमोजोम का सेपरेशन हो रहा है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लजम का सेपरेशन हो रहा है तो कभी कभी क्या होता है जो क्रोमोजोम का सेपरेशन है जो होल सेट ऑफ प्रोमोजोम का सेपरेशन जो होता है वो कभी कभी नहीं हो पाता है तो उस केस में क्या होगा अगर माइटोसिस या मासिस में अगर द होल सेट ऑफ प्रोमोजोम फेल टू सेपरेट द प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू जिनोमिक सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स होकर तो यहाँ पर क्या होगा एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोजोम वहाँ पर सेल में हो जाएगा और पॉलिप्लॉयड ही इंक्लूड ट्रिप्लॉयड टेट्राप्लॉयड पेंटाप्लॉयड तो उसमें क्या होगा और उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है क्रोमोजोम का नंबर देन पॉलीप्लॉइडी क्या होता है मोस्टली ये कॉमन है प्लांट्स में एनिमल्स में जनरली उतना पॉलीप्लॉइडी के केसेस नहीं दिखाई देते प्लांट्स में क्या होता है ज़्यादातर केसेस दिखाई देते हैं अप्रोक्सीमेटली फोर्टी परसेंट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट पेसिस एंड ग्रासेस में सबसे ज़्यादा सेवेंटी टू एटी परसेंट ऑफ तो ग्रासेस में इसके जो अमाउंट है जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है सो so, और पॉलीप्लॉइड्स में जो एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें हम लोग कंज्यूम करते हैं और वो काफ़ी बेनिफिशियल है जैसे व्हीट्स हो गया ओट्स हो गया कॉटन पोटैटो शुगर केन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर में जो हम लोग का पॉलीप्लॉइड्स हैं और पॉलीफ्लॉयड इज लेस कॉमन इन एनिमल्स बट फाउंड इन सम समेट्स लाइक फिश सिलेमेंडर फॉक्स एंड लेजर्स बट इन केस ऑफ प्लांट इट इज़ वेरी कॉमन एंड

तो ऑटोपोलिप्रॉयड केस में क्या होता है जो क्रोमोज सेट्स होते हैं दे आर फ्रॉम सिंगल स्पेसिस ये फ्रिकुंसी एंड इन केस ऑफ एलोपोलीफ्रॉयड्स द क्रोमोजम्स आर फ्रॉम टू और मोर स्पेसिस ये फ्रिकुंसी ये जो दो क्रोमोजम है ये जो डायग्राम है इसमें कलर इसीलिए दिखाया है सेम कलर क्योंकि पता चलेगा कि ये सेम स्पेसी से है यहाँ पे जैसा है ये इसमें भी ये जो एक्स्ट्रा कॉपी है, एक है ये एक स्पेसिस से है ये अलग स्पेसिस से है स्पेसिस वन और ये है स्पेसिस टू से देन लेट्स डिस्कस अबाउट ऑटोपोलिप्लॉयड सो ऑटोपोलिप्लॉइड रिजल्ट मैन एक्सीडेंट इन माइटोसिस और मेोसिस प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ प्रोमोजोम एंड ऑल डिराइव फ्रॉम ए सिंगल स्पेसिस यहाँ पे दो अलग अलग स्पेसिस का कंट्रीब्यूशन है एक सिंगल स्पेसिस से ही जनरली ये ओरिजन होता है जो नॉन डिसजंक्शन है और फेलियर ऑफ क्रोमोजोम टू सेग्रीगेट तो वहां पे क्या हो रहा है ऑल द क्रोमोजोम इन माइटोसिस इन एन एन अर्ली टू इज डबल एंड द क्रोमोजो नंबर प्रोड्यूस में इसमें क्लियर हो जाएगा तो माइटोसिस में क्या हो रहा है सपोजली एक ऑर्गेनिज्म है वहां पे क्या हुआ उसके बाद रेप्लीकेशन होगा सेल डिवीजन से पहले क्या होगा उसका क्रोमोजोन नंबर डबल हो गया यहाँ पे फॉर एंड कंडीशन हो गया तो अभी क्या होगा अभी सेपरेशन ऑफ हुआ सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड होने के बाद क्या हो रहा है नॉन डिजक्शन और नो सेल डिविजन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ जो सेपरेशन ऑफ सेल होना चाहिए था यहाँ पे ये यह, यहाँ पे नहीं हुआ तो इसकी वजह से क्या होता है जनरली जो क्रोमजोम का जो नंबर था वो 2n से यहाँ पे हो गया ये 4n और टेट्रा कंडीशन यहाँ पे ये एक टेटरा प्लॉइड कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे टोटल क्रोमोज सेट का जो फोर कॉपीज में प्रेजेंट है यहाँ पे सेम अगर म्यूसिस में होता तो क्या होता है देखते हैं सपोजली यहाँ पे है सपोजली म्यूसिस में हुआ तो यहाँ पे दो बार यहाँ पे सेल डिवीजन होता है तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या हुआ रेप्लीकेशन हुआ यहाँ पे टू एन से यहाँ फोर एंड कंडीशन हो गया देन इज़ नो सेल डिवीजन तो यहाँ पे भी ये फोर एन कंडीशन में रह गया तो इसके जो प्रोडक्ट्स वो एन 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 होना चाहिए था वहाँ पे वो नहीं हुआ है उसकी वजह से क्या होगा इसमें जो गेमेट्स फॉर्मेशन होंगे उसमें ये वाला जो कंडीशन है ये दोनों ये दोनों टू एन कंडीशन है यहाँ पे जो सेल फॉर्म हुआ वो टू एन आ, या डिप्लॉयड हुआ सेम टू सेम एज द पेरेंट सेल अभी क्या होगा अगर ये फ्यूज होगा और फर्टिलाइज होगा अगर नॉर्मल सेल के साथ यहाँ पे जो ये एन वाला कंडीशन है ये नॉर्मल है अगर क्या होगा ये सेल इसके साथ फ्यूज होगा तो क्या होगा इसमें यहाँ पे टू एन कंडीशन है यहाँ पे एन कंडीशन है तो उसके फ्यूजन से जायट जो, जो फॉर्मेशन होगा वो होगा ट्रिप्लॉयड यहाँ पे तीन कॉपी होगा उस टोटल क्रोमोजम सेट का

म्योसिस uh, होगा तो उसमें प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा एज कंपेयर टू टेट्राप्लॉइड क्योंकि टेट्राप्लॉइड के पास एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑलरेडी वो इवेंट नंबर में है तो वो म्योसिस में उसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखें तो वो ज़्यादा पॉसिबल लगता है ऑटो टेट्राप्लॉइड आर थ्योटिकली मोर लाइकली टू बी फाउंड इन नेचर देन इन ऑटो टेट्राप्लॉइड इसके रीजन देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो यहाँ पे तीन टाइप का यहाँ पे सेग्रीगेशन हो रहा है फर्स्ट केस में क्या हो रहा है अगर क्रोमोजोम पेयर वाइल द ऑलर सेग्रीगेड रैंडमली एंड सेकेंड केस ऑल द क्रोमोजोम पेयर एंड सेग्रीगेड रैंडमली एंड नॉन ऑफ द क्रोमोजोम पेयर एंड ऑल ऑफ दैम सेग्रीगेड रैंडमली ये तीनों प्रोसेस में अगर भी हुआ तो तीनों में जो भी गेमेट्स निकलेगा वो सब जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्रोमोजोम का वो एबनॉर्मल यहाँ पे जैसे देख रहे हैं टू एन है वन एन है यहाँ पे वन एन टू एन यहाँ पे थ्री एन हुआ यहाँ पे कुछ नहीं आया तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं होता अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ भी तो क्या होगा सपोजली यहाँ पे जो टू एन कंडीशन है टू एन है नंबर ऑफ क्रोमोजोम बट जो उसमें क्रोमोजोम्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इंडिविजुअल क्रोमोजोम का वो डिफरेंट हो जाएगा सपोजली पाँच क्रोमोजोम सपोजली पाँच क्रोमोजोम हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव तो वहाँ पे पाँच क्रोमोजोम है तो हमारा ये सपोजली हो गया एन ट में क्या हुआ कंडीशन में अगर हुआ तो वहाँ पे टेन क्रोमोजोम होगा तो अभी ये जो क्रोमोजोम का जो कंपोजिशन है हर एक का दो कॉपी होना चाहिए तो यहाँ पे क्या होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिफ्रेंशेट करेगा नंबर ऑफ क्रोमोजोम टोटल टेन हो जाएगा लेकिन एक का शायद तीन कॉपी हो सकता है वन 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 हो गया या फिर टू का एक कॉपी आया है या फिर क्रोमोजोम नंबर फोर का कोई कॉपी ही नहीं आया है टोटल नंबर टेन हो जाएगा लेकिन उसमें क्या होगा जो इंडिविजुअल क्रोमोजोम का जो नंबर uh, है वो वेरी करेगा किस क्रोमोजोम का ज़्यादा कॉपी हो जाएगा किसी का कम हो जाएगा इसलिए जनरली मैक्सिमम केसेस में क्या होता है इसके जो गेमेट्स फॉर्मेशन होते हैं वो जनरली नॉन वायबल होते हैं देन द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ प्लांट्स आर ऑप्टन इंक्रीज इन साइज मेकिंग सर्च वराइटीज ग्रेटर हॉर्टिकल्चरल और कॉमर्शियल वैल्यू तो मैक्सिमम केस में क्या होता है हम ये स्टडी के बाद पता चलेगी जो क्रोमोजोम नंबर अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा हो रहे हैं प्लांट केस में तो उसमें जो फ्रूट्स होते हैं फ्लावर्स होते हैं उनके साइज़ भी उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं प्लांट्स के साइज़ भी बड़े हो रहे हैं एंड ओटोपोलिप्लॉय डो नॉट कंटेंट न्यू और यूनिक इन्फॉर्मेशन उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होता बट क्या होता है जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है जो सेट होता है वो एक्स्ट्रा होता है तो उसमें जो लार्जर होता है उसका फ्रूट्स का साइज हो गया या फ्लावर का साइज वो ड्यू टू लार्जर सेल साइज रदर देन नंबर ऑफ सेल्स क्योंकि सेल का साइज भी देखा गया है कि क्रोमोजम सेट्स ज़्यादा है तो उसमें क्या हो रहा है वो सेल का साइज में इम्पैक्ट कर रहा है उसमें साइज में बढ़ रहा है तो इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट ट्रिपलॉट प्लांट्स इंक्लूड्स सेवरल पोटैटो स्पीसीज ऑफ जेनस सोलानम विंग्स एप्पल्स एपल्स कमर्शियल वनानास सीडलेस वाटरमेलन्स तो कमर्शियल बनाना आप जो मार्केट में जो बनाना खा रहे हैं वो ट्रिप्लॉयड है उसमें जनरली सीड्स नहीं रहता जो वाइल्ड वैरायटी का बनाना है वो एडिबल नहीं होता उसमें काफ़ी सारे सीड्स होते हैं और जैसे हो गया वो वाटर मेलन जो खा रहे हैं उसमें भी बहुत सारे जो वैरायटी आता है उसमें सीड्स नहीं रहता एंड कल्टिवेटेड टाइगर लिली एंड दिस प्लांट्स आर प्रोपागेटेड एक्स ए सक्स ये तो हो गया ट्रिप्लॉयड का एग्जाम्पल दैन ट्राप्लॉयड में है अल्फा अल्फा कॉफी पीनट्स एंड मैकलेंटोस एपल्स दे आर इधर लार्जर और ग्रो मोर विगरेसली जो ये जो प्लांट्स होते हैं वो साइज़ में आ, बड़े होते हैं और ज़्यादा विगरेसली वो करते हैं तो ये कमर्शियली बेनिफिशियल है तो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी का जैसे ये यह यहाँ पे ये वाला डिप्लॉयड वाला स्ट्रॉबेरी है और ये ऑक्टाप्लॉयड वाला स्ट्रॉबेरी है इसमें तो इसका जो साइज़ है वो नॉर्मल वाइल्ड वैरायटी स्ट्रॉबेरी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है सो so, ये कमर्शियली बेनिफिशियल है द नेक्स्ट इज़ एलो पोलिप्लॉयड सो एलो पोलिप्लॉयड्स एराइज फ्राम हाइब्रिडेशन बिटवीन टू स्पेसिस रिजल्टिंग पॉलिप्लॉइड कैरीज क्रोमोजोम सेट डिराइव फ्राम टू और मोर स्पेसीज इसमें क्या हो रहा है जो पोलिप्लॉयड्स हैं जो एक्स्ट्रा सेट ऑफ जो क्रोमोजोम्स हैं वो दो अलग अलग स्पेसीज से मिल रहा है एज हाइब्रिड क्रोमोजोम आर नॉट होमोलोगस तो उस केस में क्या होता है जो क्रोमोजोम होते हैं वो होमोलोगस नहीं होते हैं तो उसलिए क्या होता है वो प्रॉपरली फेयर और सेग्रीगेट नहीं हो पाते ड्यूरिंग म्यूसिस सो हाइब्रिड इज फंक्शनली हापलॉयड एंड स्टेराइल फंक्शनली हम अगर देखें तो वो हापलॉयड है और वो जनरली स्टेराइल रहते हैं एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पर जैसे ये हो गया स्पेसिस वन और ये हो गया स्पेसिस टू तो दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे एन और एन ये दोनों कंट्रीब्यूट किए गेमेट्स में तो ये इसका जो हाइब्रिड फॉर्मेशन होगा विथ सिक्स नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम यहाँ पे जो हाइब्रिड फॉर्म हो रहा है टू एन कंडीशन है यहाँ पे अगर देखें हम इसे थ्योरेटिकली अगर प्रैक्टिकली वो प्लांट का जो होगा वो एन होगा क्योंकि इसमें इसका एन नंबर ऑफ क्रोमोजम है और इसका एन नंबर ऑफ क्रोमोजम है इसलिए इसे थियोरटिकली ये टू एन है बट प्रैक्टिकली ये एन है बहुत रेयर केस में क्या होता है नॉन डिजेंक्शन हो जाता है ड्यूरिंग माइट्रोटिक डिविजन इच्स लीड्स टू डबलिंग ऑफ क्रोमोजम एंड बिकम टेट्राप्लॉइड यहाँ पे जो कंडीशन हो रहा है ये तो कभी कभी नॉन डिजेंक्शन होने की वजह से क्या होगा ये अगर डिवाइड होगा तो यहाँ पे हर एक टोटल क्रोमोजम सेट का डबल कॉपी हो गया तो ये भी पूरा टोटल सेट और ये टोटल सेट यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे ट्वेल इजिकल टू ट्व हो गया और एग्जैक्टली exactly ये अभी टेट्राप्लॉइड कंडीशन में है तो अगर ये डिवाइड होगा तो क्या होगा ये जो क्रोमोजोम पेयरिंग और सेग्रीगेशन जो इसमें होगा वो नॉर्मल होगा और वो ये गे, बैलेंस गेमेट्स प्रोड्यूस करेगा अगर सपोजली वहाँ पे नॉन डिजेंशन नहीं हुआ और मियोसिस हुआ तो क्या होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम होगा वो प्रॉपर नहीं होगा यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कलर ऑफ क्रोमोजम में थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें एक कुछ कुछ क्रोमोजोम नहीं है और उसमें कुछ कुछ क्रोमोजम एक्स्ट्रा है तो इसमें इसलिए क्या होगा जो सेल्स फॉर्म हो रहे हैं दे डू नॉट पेयर एंड सेग्रीगेट प्रॉपरली इन म्योसिस रिजल्टिंग इन अनबैलेंस्ड एंड नॉन वायबल गेमट्स जो गेमेट्स फॉर्म हो रहे हैं वो नॉन वायबल है क्योंकि उसमें कुछ 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 सेल में कुछ कुछ क्रोमोजोम एबसेंट हैं और कुछ में कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज हैं उसके बाद है एक साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट जिनका नाम था जॉर्ज कैरपेंचिंग को उन्होंने क्या किया रेडिस और कैबेज का हाइब्रिड बनाने का कोशिश किया थ्रू एलो तो बट क्या होता जो लिप्स ऑफ द कैबेज दैट इज़ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट एंड रूट ऑफ द रेडिस तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या हैं जो एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट यहाँ पे है लिप्स ऑफ द कैबेज यहाँ पे जो लिप्स ऑफ द कैबेज है और रूट ऑफ द रेडिस है तो दोनों का जो था क्रोमोजोन नंबर सेम था उन्होंने हाइब्रिड बनाने का कोशिश किया लेकिन तो बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ जो कैबेज का जो रूट कैरेक्टर था उसे मिल गया कैबेज से आया ये और जो रेडिस का लीप एरिया था और सूट एरिया जो था वो वो कैरेक्टर इसमें आ गया उनको रिक्वायर था आ, कैबेज का लीफ और रेडिस का रूट वो चाहते थे जो प्लांट हाईब्रिड बनेगा उसमें ये दोनों कैरेक्टर एक ही प्लांट में हो बट उन्होंने जो प्लांट ग्रो किया तो अनफॉर्चुनेटली उसमें आ, कैबेज का रूट और रेडिस का लीफ का कैरेक्टर आ गया एक ही प्लांट में देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिफ्लॉइड सो इन मैनी ऑर्गेनिज्म सेल वोल्यूम इज को रिलेटेड विथ न्यूक्लियर वोल्यूम विच इन टर्न इज डिटर्माइंड बाय जिनम साइज तो पॉलिकुलरली मैक्सिम केसेज में ये देखा गया है कि जब उसमें ज़्यादा सेट्स ऑफ क्रोमोज होते हैं तो उसमें जो सेल का जो साइज है वो बड़ा हो रहा है जो कि एग्रीकल्चरली और इकोनॉमिकली uh, काफ़ी बेनिफिशियल है सो so, द इंक्रीज इन क्रोमोजन नंबर इन पॉलीप्लॉइडीज ऑपटेन एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज इन सेल साइज एंड मैनी पोलिप्लॉयस आर फिज़िकली लार्जर दैन डिप्लॉयड्स और बहुत सारे पॉलीप्लॉयड्स हैं जो फिजिकली डिप्लॉयड से काफ़ी साइज में बड़े होते हैं सो so, ब्रीडर्स को इसमें हेल्प क्या मिलता है दे यूज़ दिस इफेक्ट टू प्रोड्यूस प्लांट्स विथ लार्जर लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स जो हम फ्रूट्स कंज्यूम्स करते हैं लीव्स कंज्यूम्स करते हैं तो उसके साइज़ बढ़ा होने से क्या होता है वो प्रोडक्शन उसमें बढ़ा सकते हैं और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूज ऑफ कोल्चिसिन प्लांट ब्रिजर्स क्या करते हैं वो कॉलचिसिन को यूज करके पॉलीप्लॉइड uh, सेल्स बना सकते हैं क्योंकि कोलचिसिन क्या करता है ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन प्रिवेंट करता है तो उसमें क्या होगा जो क्रोमोजम है वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं होता है और उसमें सेल डिवीजन भी सही से नहीं होता जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है इसलिए क्या होगा जो सेल का जो टोटल प्रोमोजम नंबर है वो डबल कंडीशन में रह जाता है उसके बाद वो सेपरेट नहीं हो पाता है तो उससे क्या होगा ट्रपलॉयड फॉर्मेशन हो सकता है और उसी को यूज करके ट्रिप्लॉय्स प्लांट्स भी वो बना सकते हैं आर्टिफिशियली और जो नए प्लांट्स बनेंगे उन वो क्या करते हैं उन्हें वो एसेक्सुअली प्रोफागेट करते हैं और उसे कल्टीवेट करते हैं और ये टेबल में है इसमें काफ़ी सारा एग्जाम्पल है जैसे ऑटो ओटोपोलिप्लॉयड और एलो पोलिप्लॉयड का जैसे पोटैटो बनाना पीनट वगैरह तो इस वीडियो में इतना ही गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन जो डीएनए एन म्यूटेशन होता है ये जो हम देख रहे अभी पढ़ रहे थे ये क्रोमोजमल वेरिएशन था क्रोमोजोम में क्या क्या वेरिएशन होता था देखते थे अभी हम देखेंगे डीएनए लेवल में क्या क्या म्यूटेशन होता है सो आई होप आप सबको पसंद आया होगा वीडियो सो थैंक यू टेक केयर